हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, KVS का पेपर की डेट भी आ चुकी है, मतलब इतना जल्दी पेपर दे दिया उन्होंने। ऐसे UGC नेट का आ गया, इधर रीट का है। तो जो मैं आज जो चैप्टर शूट कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको रीट और KVS को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। यानी KVS की मैं पहले दो वीडियो शूट कर चुका हूँ। पहली वीडियो मैंने आपको एक वीडियो शूट कर दी है, दूसरी वाली वीडियो बना रहा हूँ, और तीसरी वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। इस वाली वीडियो में आप समझेंगे तो इस वाली वीडियो से आपको रीट में और KVS में क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे। अब सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि वृद्धि और जो विकास होता है ये प्रारंभ कहाँ से होता है। तो दोस्तों हमें ये बताना है गर्भावस्था से। अगर आपसे ये पूछे कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है तो हमें बताना है वृद्धि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। अब इनको देखेंगे, देखो दोस्तों वृद्धि हमेशा आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, आंतरिक और बाह्य, जबकि दोस्तों विकास हमेशा आंतरिक होता है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरी हम बात करेंगे, जो विकास होता है दोस्तों वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है, जबकि दोस्तों वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं, जो वृद्धि होती है दोस्तों ये संकुचित होती है, जबकि दोस्तों विकास जो होता है वो व्यापक होता है। अब उसके बाद दोस्तों वो ये कर रहा है, ये जो होता है ये दोस्तों जीवन पर्यंत चलता है, जबकि दोस्तों वृद्धि जो होती है वो किशोर अवस्था तक चलती है। अब उसके बाद एक और बात करेंगे दोस्तों हम, तो बात करेगा ये इसमें हमेशा गुण और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करें, गुण और विशेषताओं की, जबकि ये वाला जो दोस्त होता है ये हमेशा संख्यात्मक होता है। जब हम बात इसकी करते हैं दोस्तों तो इसमें हमेशा 0 से 9 के बीच में संख्या आती है, और इस वाले में दोस्तों अच्छाई और बुराई की बात आती है। क्लियर है दोस्तों। अब ये वाला जो दोस्तों होता है वृद्धि जो होता है वो शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, किस होता है, शारीरिक पक्ष से होता है, जबकि विकास की बात करेंगे हम दोस्तों तो ये 3 से होता है, मानसिक संवेगात्मक और सामाजिक। अब आपको समझना क्या है कि अगर कहीं पर संख्या शब्द आता है, यानी राम का वजन 40 किलोग्राम, मोहन का वजन 100 किलोग्राम है, यानी जो कुछ भी वजन की बात हो और उसमें संख्या शब्द आई तो वो हमें बतानी है वृद्धि, और जहाँ पर गुण और विशेषताओं की बात हो वो हमें बताना है विकास। अब उसके बाद वो ये पहला क्वेश्चन ये पूछेगा वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, तो हमें बताना गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। वृद्धि हमेशा आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, और विकास हमेशा आंतरिक होता है, लेकिन विकास जो सीटेट के हर सेप्टर में पूछा जा रहा है, रीट में भी पूछा जा रहा है, KVS में भी पूछा जाएगा, अगर वो आपसे ये पूछे कि विकास जो होता है वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है। वृद्धि जो होती है दोस्तों वो किशोरावस्था तक चलती है, और विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। अब आपसे ये पूछे कि वृद्धि किस पक्ष से संबंधित होती है, तो शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास हमारा 3 पक्षों से संबंधित होता है, सामाजिक संवेगात्मक और मानसिक से। अब एक बात तो ध्यान रखनी है कि जहाँ पर हम किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई की बात करें
वो हमारा विशेषता होती है, यानी विकास की बात करते हो, जब हम किसी को संख्या दे देते हैं तो वो हमारा वृद्धि कहलाता है। अब यहां पर हमें एक नोट डाल के पढ़ते हैं, उसने बोला है श्याम का IQ 140 से अधिक है, वह प्रतिभाशाली बुद्धि का है। अब वो इस स्टेटमेंट में आपसे ये पूछेगा कि इसमें वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। तो पहली बात हम ये बात करेंगे कि जो वृद्धि है वो हमारा कितना है, 140 से अधिक, और दोस्तों जो विकास है वो हमारा क्या है, प्रतिभाशाली। अब देखो मैंने आपको एक बात ये बताई कि जहां पर विशेषताओं की बात करें, गुण और विशेषताओं की बात करें, वो हमारा क्या कहलाएगा, विकास। तो प्रतिभाशाली बालक जो है उसकी विशेषता ही तो है, तो हमने विकास में लगती है। वृद्धि मैंने आपको ये बताया कि कहीं पर कोई सी भी संख्या आ जाती है तो हमें क्या बताना होता है, वृद्धि बतानी होती है कि 140 से अधिक। अगर दोस्तों वो ये कहता है कि गर्भावस्था या जन्म से पूर्व की अवस्था कितनी होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था, तो दोस्तों हमें तीन बतानी है। पहली वाली बतानी दोस्तों डिंबावस्था, दूसरी वाली दोस्तों बतानी है पिंडावस्था, और तीसरी वाली बतानी है दोस्तों भ्रूणावस्था। अब दोस्तों इसका समय बताना है तो 0 से 2 वीक, इसका समय बताना है 3 वीक से 8 वीक, और इसका समय बताना है 9 वीक से जन्म तक। यानी अगर वो आपसे पूछे कि गर्भावस्था जन्म के पूर्व की अवस्था कितनी है, तो हमें बतानी थी डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था का समय पूछे तो 0 से 2 वर्ष, पिंडावस्था का समय पूछे तो 2 से 3 से 8 वीक, और भ्रूणावस्था का समय पूछे तो 9 वीक से जन्म तक। अब यहां पर एक चीज लिखना बहुत लाजमी है दोस्तों, जिसको हम नोट डाल के इधर पढ़ लेते हैं, देखो समझना। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है KVS में, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगे, समझ। देखो पहला पॉइंट हम लिखेंगे वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर हम दूसरा पॉइंट लिखें दोस्तों, विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, इन दोनों स्टेटमेंट में दोस्तों वो ये पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के संबंधित कथन सही है। अगर वो पूछता है कि जब एक बालक में वृद्धि हो रही है तो कंपल्सरी उसमें विकास होगा, तो जी हाँ, यानी एक बालक में वृद्धि होगी तो उसके लिए विकास की आवश्यकता कंपलसरी होती है। लेकिन अगर किसी बालक में विकास हो रहा है तो उसके लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती, यानी 1% अपवाद में हो सकता है, लेकिन हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है, जबकि विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे, अगर वो पूछता है वृद्धि और विकास का क्रम, अब जो वृद्धि और विकास का क्रम है दोस्तों वो 2 प्रकार से चलता है,
दो प्रकार से चलेगा। तो पहला होगा दोस्तों सिर, पदाभिमुख, और दूसरा होगा दोस्तों समीपस्थ, दूरस्थ। यानी जब मनुष्य जाति में जो विकास होगा वो दो तरीके से होगा, सिर से पैर की ओर, यानी सिर पदाभिमुख, और समीपस्थ दूरस्थ। लेकिन अगर हम इनको दो भागों में और बांटे तो देखो दो चीज और होती है। एक होता है इंपोर्टेंट डालेंगे जिसको हम पढ़ते हैं शीर्षगामी, और दूसरा होता है अधोगामी। दूसरा क्या होता है? अधोगामी। अब शीर्षगामी क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे। जब विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है, पैर की ओर चलता है, जब विकास शरीर के मध्य यानी बीच से शुरू होकर पैर की ओर चलता है, अब जो दोस्तों मैंने लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, और आप इस वाले पार्ट को केबीएस में किसी भी एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वो आपसे पूछे वृद्धि और विकास कैसे कहते हैं, मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया है। कहीं पर संख्या आती है तो वृद्धि बताते हो, कहीं पर गुण विशेषताओं की बात आती है तो विकास बताते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ जरूर ध्यान कि विकास को हमेशा मात्रात्मक गुणात्मक माना जाता है और वृद्धि को हमेशा मात्रात्मक मानते हैं। अगर आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास प्रारंभ कहाँ से होते हैं, गर्भावस्था से यानी जन्म से पूर्व की अवस्था से होती है। उसकी तीन अवस्था होती है डिम्बावस्था, पिंडावस्था, बूढ़ावस्था। अब उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि वृद्धि और विकास के लिए कौन सा पॉइंट सही है, तो हमें ये ध्यान रखना कि जब एक बालक में वृद्धि होगी तो मुख्य रूप से उसमें विकास होना ही होना है। यानी अगर किसी बालक की वृद्धि बढ़ रही है, लंबाई वजन बढ़ रहा है, तो उसका विकास मेंटलिटी बढ़नी बढ़नी मानसिक विकास जो है। लेकिन अगर किसी बालक में विकास हो रहा है तो उसके लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। यानी वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है दोस्तों, लेकिन विकास के लिए कभी वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपसे वो ये पूछेगा मनुष्य जाति में जो वृद्धि और विकास है दोस्तों वो कितने प्रकार से होता है। तो जो गर्भावस्था से हमारा वृद्धि और विकास प्रारंभ होता है दोस्तों वो दो प्रकार से होता है, एक सिर पदाभिमुख और समीपस्थ दूरस्थ। यानी पहले हमारा सिर बनेगा, सिर से फिर हम पैर की तरफ बनेंगे, पहले हमारी पूरी बॉडी बनेगी, फिर उसके बाद हमारे दूर के पार्ट बनेंगे, अकल डाड़ हुआ, सफ़ेद बाल निकलना। लेकिन इसको दो भाग में और बांटा गया, शीर्षगामी और अधोगामी। शीर्षगामी दोस्तों वो होता है कि जब मानव बालक का विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है, उसको शीर्षगामी बोलते हैं। अधोगामी वो होता है दोस्तों जिसमें बालक का विकास बीच में यानी मध्य बिंदु यानी शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होकर यानी केंद्र बिंदु से शुरू होकर वो पैर की ओर चलता है, उसको अधोगामी बोलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पुटअप करेगा वो कि वृद्धि और विकास के पक्ष कितने, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर लिखें वृद्धि और विकास के पक्ष, या तो ऐसे कर लेते हैं या फिर वृद्धि और विकास के पक्ष ऐसे नहीं, तो दोस्तों मैं चार बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये केवीएस से मतलब से। अब देखो पहला होता है शारीरिक, दूसरा होता है दोस्तों मानसिक जिसका हम संज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं, तीसरा जो दोस्तों होता है वो होता है संवेगात्मक, और जो लास्ट में आता है दोस्तों वो होता है हमारा सामाजिक।
अब दोस्तों आपको ये वाली बात समझ नहीं आती है कि वृद्धि और विकास के पक्ष या व्यक्ति के पहलू, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, पहलू, आयाम, स्टेप, उद्देश्य, जो कुछ भी पूछ सकता है, वो हमें चार बताने, वो चारों क्रम में है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये जो चारों मैंने लिखाए हैं ये आपको क्रम में बताने हैं। कैसे बताने? क्रम में, यानी जब एक व्यक्ति का पूरा बॉडी बनता है और जन्म से लेकर यानी गर्भावस्था निषेचन से लेकर और मृत्यु पर्यंत उन चारों पक्षों पर गुजरता है, शारीरिक, मानसिक को संज्ञाना तो बोलते हैं, संवेगात्मक और सामाजिक। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा पक्ष जो होता है वो वृद्धि से संबंधित होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है शारीरिक जो पक्ष होता है वो वृद्धि से संबंधित होता है, जबकि तीनों पक्ष मैंने किससे संबंधित लिखे? विकास से संबंधित। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि पूरी साइकोलॉजी और पूरी पेडागोजी इन चारों पक्षों पर डिवाइड है। आप इनको नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे अवस्थाओं से। यानी इतना आपको ध्यान में रखना है कि वृद्धि और विकास को मैंने जितना जो लिखा है, अगर वो आपसे पूछे वृद्धि और विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, गर्भावस्था, गर्भावस्था से कितनी अवस्था है, ये तीन अवस्था है। अब क्रम कितने प्रकार? दो प्रकार का। जैसे मैंने आपको बता दिया कहीं पर संख्या है तो क्या बतानी है? वृद्धि। अगर गुण विशेषताओं की बात हो तो क्या बताना है? विकास बताना है। शीर्षगामी, अधोगामी, सेल से शुरू होता है, अधोगामी बीच से शुरू होता है। वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है, जबकि विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास के पहलू कितने और आयाम कितने हैं और पक्ष कितने, अगर वो वृद्धि और विकास की जगह दोस्तों आपसे ये बोल देता है कि व्यक्ति के पक्ष कितने हैं, तो फिर भी हमें चार बताने हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। अब दोस्तों क्वेश्चन वो ये पूछता कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं के भाग कितने हैं, तो दोस्तों हमें बताने दो भाग। अब दो भाग कौन कौन से दोस्तों? एक बताना है जन्म से पूर्व और दूसरा बताना है दोस्तों जन्म के बाद। अब जन्म से पूर्व के मैंने अभी लिखा दिए, फिर भी लिख दे रहे हैं। जन्म से पूर्व के दोस्तों तीन अवस्था हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था भ्रूणावस्था। अब इसको दोस्तों डिंबावस्था को हमने बोला है ओवम, इसको बोला है दोस्तों एम्ब्रियो, और दोस्तों इसको बोला है फेटस। अब जन्म के बाद के दोस्तों जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों रॉस के अनुसार, अब रॉस ने दोस्तों चार अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था बताइए दोस्तों शैशवावस्था, दूसरी दोस्तों बताइए पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी दोस्तों बताइए उसने उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी बताइए किशोरावस्था। अब आपको समझना क्या है दोस्तों, अगर वो आपसे पूछ रहा है रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय, तो आपको बताना है 0 से 2 वर्ष। अगर पूर्व बाल्यावस्था का समय पूछे तो आपको बताना 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था समय पूछे तो दोस्तों आपको बताना 6 से 12 वर्ष। अगर किशोरावस्था का समय पूछे तो आपको बताना 12 से 18 वर्ष। अब दूसरे बार में हम पढ़ेंगे दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से।
अब दूसरा जो दोस्त हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं दोस्तों, तो हमें बतानी तीन अवस्थाएं। अब तीन अवस्था कौन कौन सी दोस्तों, उनको समझेंगे हम। पहली है शेष अवस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। अब शैशवावस्था का समय कितना माना गया, 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था का समय माना गया 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का 13 से 18, 12 से 18 और 13 से 19 वर्ष। देखो वो क्वेश्चन ये पूछेगा सर दोस्तों आपसे कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों आपको बताना है दो भागों में, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद। अब जन्म से पूर्व की अवस्था को दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम इसको गर्भावस्था भी बोल सकते हैं। यानी जन्म से पूर्व की अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं, गर्भावस्था बोल सकते हैं। और गर्भावस्था की अवस्था कितनी, तीन है, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, बूढ़ावस्था। इसका जब भी क्वेश्चन बना रहा है तो वो एक ऑप्शन और बढ़ा के दे रहा है और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गर्भावस्था की विशेषता नहीं है, तो इनमें से हटके जो है वो बतानी है। अगर वो आपसे ये पूछे दोस्तों को शैक्षिक जन्म के बाद की अवस्थाओं कितनी होती है, तो हमें दो मनोवैज्ञानिक को पढ़ना है, रॉस को और शैक्षिक मनोविज्ञान को। अब यहाँ पर समझना ये है कि रॉस ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती है। देखो दो तरीके से समझना। अगर दोस्तों वो पूछता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से शैशवावस्था का समय कितना है, तो हमें बताना 0 से 5 वर्ष। अगर उसी ने पूछेगा रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय कितना है दोस्तों, तो हमें बताना 0 से 2 वर्ष। अगर रॉस का नाम लग जाता है दोस्तों तो शैशवावस्था का समय होता है 0 से 2 वर्ष। अगर रॉस का नाम नहीं लगता है तो शैशवावस्था का समय होता है 0 से 5 वर्ष। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। देखो अगर वो पूछता है कि रॉस शैशवावस्था के जनक कौन है, तो हमें इसके जनक बताने हैं बैलेंटाइन। कौन बताने, बैलेंटाइन बताने। और दोस्तों बात यहां पर ये आती है कि बैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन वो पुटअप ये करेगा कि बाल्यावस्था के जनक कौन है, तो हमें बताना दोस्तों कोल, एंड ब्रूस। उन्होंने कहा सीखने का अनोखा काल। क्या बोला, सीखने का। अब बाल्यावस्था के जनक पूछे तो कोल एंड ब्रूस, और इन्होंने इसको कहा है सीखने का अनोखा काल। अगर दोस्तों किशोरावस्था के जनक पूछे तो हमें बताने हैं स्टेनले हॉल, और इन्होंने इस अवस्था को सीखने का समस्यात्मक काल कहा। क्या कहा है, सीखने का समस्यात्मक। अब समझें अगर वो ये कहता है कि वृद्धि विकास की अवस्था कितनी, 2 है, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, जो मैंने पूरी बता दी। शैशवावस्था के जनक कौन है, तो हमें बताना बैलेंटाइन, और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो भी आपको बताना बैलेंटाइन। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, तो हमें बताना है शैशवावस्था को, किसने कहा है, बैलेंटाइन। बाल्यावस्था के जनक कौन है, कोल एंड ब्रूस है, और किशोरावस्था के जनक कौन है, स्टेनले हॉल है। अगर आपसे ये पूछे
कि बाल्यावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है, तो आपको बताना है कोल एंड ब्रूस ने। किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहते हैं, तो हमें बताना है बाल्यावस्था को। फिर उसके बाद पूछेगा किशोरावस्था को जनक कौन है, तो हमें बताना स्टीनलियन। किशोरावस्था को सीखने का समस्यात्मक काल किसने कहा, स्टीनलियन ने। यानी ये वाली पूरी डिटेल में आ गई। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं वृद्धि और विकास की ग्रंथियाँ। अब यहाँ पर जो वृद्धि और विकास की ग्रंथियाँ आएंगी दोस्तों, अब यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो दोस्तों ग्रंथियाँ हैं वो वृद्धि और विकास में सहायक वो पांच हैं। अगर हम पहली वाली की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है, यानी पहली वाली की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। दूसरी वाली की बात करें तो थायराइड ग्रंथि है। अगर तीसरी वाली की बात करें तो दोस्तों एंड्रिनल ग्रंथि है। अगर चौथी की बात करें दोस्तों तो पैंक्रियाज ग्रंथि है। अगर पांचवी की बात करें दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि है। यानी अगर वो आपसे ये पूछता कि वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि कितनी है, तो मैं बतानी है पांच ग्रंथि। यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि और पैंक्रियाज ग्रंथि और ये वाली। अब दोस्तों क्वेश्चन उसका ये भी पुट पूरा है कि पीयूष ग्रंथि किस में सहायक होती है, तो हमें बतानी है दोस्तों वृद्धि में सहायक। यानी निम्न में से कौन सी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से। दूसरा क्वेश्चन उसका दोस्तों पट्ट बुकअप, थायराइड ग्रंथि किसमें सहायक होती है, तो आपको बतानी है मानसिक विकास में सहायक। किसमें सहायक हो रही है, मानसिक विकास में सहायक। अगर वो दोस्तों ये पूछता है कि एंड्रिनल ग्रंथि किसमें सहायक होती है, तो हमें बताना है दोस्तों संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए। संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए किस ग्रंथि को लाया गया है, तो एंड्रिनल ग्रंथि को लाया। अगर दोस्तों वो ये पूछता है कि पैंक्रियाज, तो शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए किसको लाया गया दोस्तों, पैंक्रियाज ग्रंथि को लाया गया। अगर वो पैराथायराइड की पूछता है, तो आपको बतानी है दोस्तों उपरोक्त में सहायक। अब क्वेश्चन इसका दो तरीके से पट्ट होगा। अगर उसने पूछा कि वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि कौन कौन सी है, तो हमें पांच बतानी है। पहली पीयूष ग्रंथि, दूसरी थायराइड, तीसरी पैराथायराइड, पैंक्रियाज और एंड्रिनल। अगर इनके अंदर से भी कार्य पूछे कि एंड्रिनल ग्रंथि किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो आपको बताना है संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए। यानी जब एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो ज्यादा गुस्सा कराने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए एंड्रिनल ग्रंथि को लाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर यानी बीपी जो हाई हो जाता है, जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं, उसको जांचने के लिए पैंक्रियाज ग्रंथि का, यानी शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए। अगर आपसे ये पूछे कि थायराइड कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक तो ज़्यादा मोटा होना, एक ज़्यादा पतला होना। अब जो थायराइड ग्रंथि जो होती है, वो दोस्तों मानसिक विकास में सहायक होती है। जब एक बालक की बुद्धि का ज़्यादा विकास हो रहा है या कम विकास हो रहा है, वो थायराइड के द्वारा। अगर एक व्यक्ति की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उसका मापन करने के लिए हमको पीयूष ग्रंथि को लाया जाता है। अगर इनमें से तीन लेते और अपोजिट लेता है, तो भी गलत बता देने। यानी इन पांचों से हटके कोई भी आए, वो वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि नहीं होती। अब इनसे हटके एक और आती है, दो और आती है, थोड़ा उनको भी पढ़ लेते हैं। अब दो जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो होती है, एक तो होती है पहली इलेक्ट्रा ग्रंथि,
इलेक्टर ग्रंथि क्या होती है दोस्तों? तो इस ग्रंथि में एक लड़की अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है। दूसरा जो ग्रंथि पूछ रहा है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ रहा है उसको भी, ओडिपस ग्रंथि। देखो इस ग्रंथि में एक लड़का अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। देखो समझे, अगर उसने कहा वृद्धि और विकास की ग्रंथियां कितनी है, तो दो प्रकार की बता देनी है। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? तो शैशवावस्था। सीखने का अनुख काल किसको कहते हैं? बाल्यावस्था। सीखने का समस्या काल किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को। शैशवावस्था कितना बैलेंटाइन है, बाल्यावस्था कूलेंट ब्रूस है, किशोरावस्था के स्टेनली होना। रोशनी कितनी अवस्था बताई? चार बताई है। जन्म से पूर्व अवस्था तीन अवस्था होती है। अब इधर आते हैं, वृद्धि और विकास में जो सहायक ग्रंथि हैं वो हमेशा पांच होती हैं। इन पांचों से हटके जो भी गलत है, लेकिन इनसे हटके भी दो आती हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपने सुना होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है, कि इसमें एक लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है। कहते ना पापा की परी उड़ रही है, तो वो इस ग्रंथि के आधार पर कहा जाता है कि जब एक लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है तो वो कौन सी ग्रंथि की सहायक होती है, तो हमें बताना है इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगर आपसे ये पूछे कि ओडिपस ग्रंथि क्या होती है, कि इस ग्रंथि में जब एक लड़का अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम करता है वो ओडिपस कहलाती है, और जिसमें एक लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है वो इलेक्ट्रा कहलाती है। यानी इलेक्ट्रा और ओडिपस और पीयूष ग्रंथि, थायराइड, एंड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड। ये था दोस्तों वृद्धि और विकास का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को पूरा डिफाइन करेंगे। शैशवावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, और किशोरावस्था किसे कहते हैं। आज की वीडियो मैंने आपको पूरा वृद्धि विकास बता दिया, वृद्धि विकास के बाद इसकी अवस्थाओं के बारे में बता दिया, उसके पहलू बता दिए और इसके ग्रंथियां बता दिए। कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वाली वीडियो हम दोस्तों आपको बता देंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था किसे कहते हैं और इसके सिद्धांत और प्रभावित करने वाले कारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वाले चैनल पर आपको रीट के और केवीएस के पूरी पेडागोजी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।